रेगुलर की हालत खराब हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, से हवा भी करते हुए, क्योंकि इसमें पसीना बहुत आता है, मेहनत बहुत लगती है। तो परिवार के सदस्य को देखिए आप, जैसे ये दंडवत कावड़ आप लेके आ रहे हैं, तो ये कितनी दूरी की? वीर बजरंगे भोला हो, भोली हो, कोई भी हो सकता है, देखिए क्योंकि विश्वास श्रद्धा सबकी समान होती है। राजा शिवलिंग तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने देखी हैं कावड़े, अलग अलग तरह के कावड़, चाहे वो झूला कावड़ हो, खड़ी कावड़ हो, बैठी कावड़ हो, या झांकी वाली कावड़ हो, डीजे वाली कावड़ हो, और या आपने एक से एक बड़ी कावड़। तो दोस्तों अभी तक आपने ऐसी कावड़े देखी है, लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसको बोलते हैं दंडवत कावड़। दोस्तों यह कावड़ सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है, यह कावड़ पूरा शरीर तोड़ देती है। तो आज हम बात करेंगे दंडवत कावड़ की। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लोगों अपनी मनोकामना के लिए कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो मैं दंडवत कावड़ लाऊंगा, मैं 2 किलोमीटर लाऊंगा, मैं 1 किलोमीटर लाऊंगा, मैं मंदिर तक लाऊंगा, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो उतने हिसाब से बोल देता है उतने किलोमीटर की। तो दोस्तों दंडवत कावड़ में आपको लेट लेट करके अपनी मंजिल की तरफ को बढ़ना होता है। मंजिल यानी कि जहाँ आपको जल चढ़ाना है वहाँ तक आपको लेट लेट के उसी तरफ को बढ़ते रहना होता है। दोस्तों इस कावड़ में सबसे ज़्यादा शरीर टूटता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी देर अगर हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे को थकान महसूस होने लगती है, और ये तो पूरी ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ का भी आप देख सकते हैं, ये सबसे कठिन पड़ती है, चाहे आप 2 किलोमीटर की बोल दो या 1 किलोमीटर की बोल दो, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन पड़ती है ये आपको, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, पूरा शरीर छिलने की ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये वही चीज़ें हैं जो दंडवत कावड़ जाते हैं उसके खींचते चले जाते हैं लाइन। कुछ लोग डंडी लेके खड़े होते हैं, तो जैसे मैंने बताया जैसे भैया, तो कुछ लोग चौक से निशान बनाते हुए चले जाते हैं, कुछ डंडी लेके खड़े हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही चलेंगे तो आपको बहुत सारी मिलेंगे ऐसे बंदे कावड़िए जो दंडवत कावड़ लेके आते हैं, जैसे भैया ये रहे। रेगुलर दंडवत कावड़ रेगुलर। अब आपको मैं दिखाऊं आगे से भी, सामने देखेंगे तो आप सामने भी जा रहे हैं, उधर अगर आपको मैं दिखाऊं तो इधर से भी जा रहे हैं, और ये रेगुलर आगे तक लाइन बढ़ती जा रही है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आप दंडवत कावड़ चलती हुई। आप देख रहे हैं साथ में परिवार भी चलता हुआ, साथ में उनके सपोर्ट में। और आगे भी अगर आप बढ़ेंगे मंदिर तक आपको ऐसे ही चलते मिलेंगे, क्योंकि जल चढ़ाने का टाइम हो गया है, तो जब जल चढ़ाने का टाइम होता है तो इन लोगों को सबसे पहले परमिशन भी दी जाती है अंदर जाने की, जल चढ़ाने की परमिशन भी सबसे पहले मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हालत खराब हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, ये सबसे कठिन पड़ती है दूरी। वो बंदा तो खुद ताज़ा तेज आ रहा है, ये तो बंदा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है निशान लगा के, वो बंदा जय भोले की। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही रेगुलर आपको भोले मिलते हुए, जो दंडवत कावड़ होती है उसमें अपनी अपनी मंजिल की तरफ को बढ़ते हुए, साथ में परिवार के सदस्य जो बताता रहता कि आपने यहाँ तक की दूरी तय करी है, अब आपको यहाँ से लेटना है, यहाँ से हाथ चलाने, साथ में परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर रहता आपके, पूर्ण हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि जल का टाइम हो गया। तो इधर से भी आप अगर देखें तो इधर से भी आ रहे हैं, इस तरफ की अगर मैं बात करूँ, इस तरफ को घुमाऊँ कैमरा, तो इधर को भी आ रहे हैं,
आप देखिए जिस बहुत सारे रूट से ये कांवड़िए ऐसे आते हैं। ये देखिए राजू मोदी पंप वाले मंदिर के मेन गेट के पास पहुंचे, आप जिधर भी देखेंगे उधर भी यही यही मिलेंगे आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेगुलर आप वो शंकर भगवान की जय। चलिए चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं होता है वो शंकर भगवान। अगर एक एक सेकंड अगर रुक जाएं तो कुछ बूझूं, जैसे ये दंडवत कावड़ आप लेके आ रहे हैं तो ये कितनी दूरी की? हरिद्वार का नहीं, ये आप जो दंडवत आए हैं हनुमान चौक से, अच्छा ये आपकी मनोकामना में था पूरी हो गई तब है या मनोकामना मांगी गई उसके लिए? मांगी गई है कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करे तो मैं आता हूँ। ठीक, तो देखिए कुछ लोग पहले मांग लेते कि बाबा मैं दंडवत आ रहा हूँ मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, कुछ लोगों का ये है कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके बाद वो दंडवत आते हैं, तो सबका अपना अपना विश्वास है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो कोई कोई पहले दंडवत कर लेता है, कोई मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपनी दंडवत कावड़ लेके आता है। जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, जो आपके परिवार का मेंबर है, उसका बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट रहता है दंडवत कावड़, वो आपको गाइडेंस करता रहता है कि आप यहाँ तक पहुंचे यहाँ तक पहुंचे यहाँ तक, अब आपको यहाँ से लाइन दोबारा पैर लेटना है या यहाँ पर खड़े होना है, तो पूरा का पूरा जो परिवार का सदस्य होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अब आप देख रहे हैं कि जैसे पहले एक एक मिल रहा था दो दो मिल रहे हैं, अब आप यहाँ पर रेगुलर आपको चार चार पांच पांच छह छह बंदे रेगुलर चल रहे हैं जो दंडवत कावड़ में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जैसे जैसे मंदिर आ रहा है भोलों का जोश उत्साह बढ़ता जा रहा है। जय भोलेगी जय भोलेगी जय भोलेगी। तो मैं जहां तक भी दिखाऊं यही है, और देखिए परिवार के सदस्य हवा भी करते हुए, क्योंकि इसमें पसीना बहुत आता है मेहनत बहुत लगती है, तो परिवार के सदस्य को देखिए आप, तो परिवार के सदस्य पूरे साथ साथ चलते हुए मनोबल बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं इधर भी। जय भोलेगी जय भोलेगी जय भोलेगी जय भोलेगी। शंकर भगवान की जय। जय करे वीर बजरंगे जय करे वीर बजरंगे। बहुत ज्यादा अब आप देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने भोले की हवा भी करते हुए जिसका जैसे। राम सेवक यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हैं आप मंदिर के मेन गेट के पास पहुंचे आपका सामान लेकर। जय भोलेगी जय भोलेगी। अच्छा भोले एक चीज पूछूं जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है या मनोकामना मांगी है तब ला रहे हैं? मांग रहे हैं मांग रहे हैं। अच्छा आप पहले दंडवत है कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करी जाए? जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया विश्वास है भोले पे, तो आप देख रहे हैं भोले का विश्वास देखिए कि आज शाम को ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इतना बड़ा विश्वास, ये है श्रद्धा। और श्रद्धा के आगे देखिए बहस नहीं करी जा सकती, जिसमें श्रद्धा होती है उसमें बहस नहीं करी जा सकती, ये बात आप मान के चलिए। जय करो वीर बजरंगे जय करो वीर बजरंगे। सभी सभी भोले जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दंडवत कावड़ चल रही है, देखिए सभी लोग दंडवत कावड़, चाहे उसने भोला हो भोली हो कोई भी हो सकता है, देखिए क्योंकि विश्वास श्रद्धा सबकी समान होती है, तो मन्नत तो सभी मांगते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ थक गए हैं, और तो थोड़ा सा स्टे थोड़ा सा विश्राम करते हुए भोले, क्योंकि इस दंडवत कावड़ में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा शरीर थकता है, बहुत ज्यादा शरीर तोड़ना पड़ता है, तब जाके ये दंडवत कावड़ पूरी होती है। अगर यहाँ की बात करें हम लोग यहाँ पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाता हुआ, दंडवत कावड़ वालों के लिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाता हुआ, पूरी पूरी व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की है। एक बार वहाँ से जब तक नहीं रुकेगा काम नहीं चलेगा। दंडवत वाले सब मंदिर तक आने लगे हैं,
और इनके लिए एक अलग से गेट दिया गया है, ग्रीन गेट बनाया गया, कॉरिडोर बनाया गया इनके अंदर आने के लिए, इन लोगों के लिए। धीरे धीरे तेजी के साथ अंदर भेजते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों को बड़ी तेजी के साथ अंदर जाते हैं, और जो दंडवत आए अब उनको छोड़ दिया जाएगा साइड वाली लाइन से। किस तरह से फटाफट जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा, कहीं से संपन्न होता है। फेंका जा रहा लोगों को, फेंका। और देखिए यहाँ पर बाल्टी से दूध चढ़ाया जा रहा शिवलिंग पर, तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ बाहर। बहुत बुरी कंडीशन थी अंदर, पूरे दो घंटे में अंदर रहा, बहुत बुरी। ये बस ये लगा लीजिए कि नसीब बहुत अच्छे थे कि दो घंटे में पूरे बाबा के दरबार में अंदर रहा हूँ। और मैं आपको फिर दिखाऊं बाहर निकलते ही जो दंडवत कावड़ आ रही है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। सामने भी दंडवत कावड़ आ रही है, देखिए ये रेगुलर चलती आ रही है, ये दंडवत कावड़ रेगुलर चलती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं दंडवत कावड़, और यहाँ पर दंडवत कावड़ के लिए भोलों के लिए सेवा करते हुए उनको श्रद्धा। देखिए शरीर ही तो थोड़ा कमजोर है, भावनाएं तो कमजोर नहीं है, शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन भावनाएं कमजोर नहीं है। श्रद्धा 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 का सवाल है, तो वो पक्की श्रद्धा है। अब आप देख सकते हैं कि शरीर साथ छोड़ सकता है लेकिन मन और श्रद्धा साथ नहीं छोड़ सकती। जय बोलेगी। तो आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ रेला देखिए, एक तरफ दंडवत कावड़ है, एक तरफ दंडवत कावड़ है, तो दूसरी तरफ रेला देखिए, भीड़ का रेला देखिए आप। एक ये सुबह 4 बजे से लाइन लगी हुई है जो अभी तक खत्म नहीं हो रही है, और ये पूरी रात ऐसे ही चलेगी। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पर दिए हैं 6 घंटे, मैंने यहाँ पर 6 घंटे दिए हैं बाबा ओगड़दानी के दरबार में। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, श्रद्धा से परिपूर्ण अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो बोले जय बाबा की, कमेंट में जय बाबा की जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने अभी तक वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो ये थी दोस्तों 2022 कांवड़ यात्रा जो मैंने आपको पूरे हफ्ते दिखाई है।